वालेकुम दोस्तों आज दो नवंबर और बुध का दिन है सऊदी अरब की खबरों में आपका स्वागत है जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखी है दरअसल ये गुजरात में जो हादसा हुआ है उसके पहले की वीडियो है यानी पुल के आसपास या पुल के ऊपर जो लोग मौजूद थे उनमें ये बंदा वीडियो बना रहा था जिसके बाद ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी तो ये तो हो गई गुजरात हादसे से पहले की जानकारी लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ जैसे कि हमने कल बताया था कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरन अफेयर की तरफ से इंडिया के लिए शोक व्यक्त किया गया है लेकिन इतना ही काफी नहीं था यहाँ आप देखिए कि एक ऑफिशियल लेटर है यानी हम इसको शौक पत्र बोल सकते हैं ये किंग सलमान की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भेजा गया है और ये आपको बता दी कि ऑनलाइन या ट्वीट करके इसको नहीं भेजा जाता बाकायदा फिजिकली यानी ऑफलाइन तरीके से इसको भेजा जाता जैसा आपने फिल्मों में कभी देखा होगा अपनी बात कहने के लिए एक से दूसरी तरफ लेटर का इस्तेमाल किया जाता था तो जब कोई ऐसा बड़ा मामला होता है या कोई शौक़ व्यक्त सरकारी तौर पर करना होता है तो फिजिकली लेटर भेजा जाता है तो ये आपके सामने है किंग सलमान की तरफ से इस पूरी घटना पर शौक व्यक्त किया गया है लेकिन साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ पर विज़िट किया और लगभग एक लोगों के मरने की, की खबर है अभी तक सऊदी अरब जिस तरह से इस वक्त तरक्की की राह पर है वो काबिल तारीफ़ है हर फील्ड में सऊदी अरब अपना लोहा मनवा रहा है अब देखिए कि स्पेस में सऊदी अरब का कोई नाम नामिशान नहीं था यानी कभी सऊदी अरब को कोई सैटेलाइट वग़ैरह छोड़नी थी तो इनके पास पूरा इंतज़ाम नहीं था आपको याद दिला दें इसरो आप जानते होंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका का जो संगठन है वो नासा है इसी तरह से इंडिया में इसरो है जिसने चंद्रयान भेजा था हालांकि वो फेल हो गया था तो देखिए सऊदी अरब ने भी अब स्पेस में अपना कदम बढ़ा दिया है कल कैबिनेट की मीटिंग हुई मंगलवार को और इसमें फैसला लिया गया स्पेस सुप्रीम काउंसिल बनाने का यानी काउंसिल का गठन किया जाएगा फैसला हो चुका है और आपको बताएं कि सी आई टी सी जिस पर हम सिम वगैरह भी अपने चेक करते थे जहाँ से कि हमारे काम पर कितने सिम है यानी पूरे टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई थी उसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी था जिसका नाम अब बदलकर कम्युनिकेशन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अथॉरिटी रख दिया गया है यानी सेम जैसे इंडिया में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो सऊदी में इसका नाम कम्युनिकेशन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी अथॉरिटी हो गया है जब बात सऊदी अरब की तरक्की की चल ही रही है तो एक और यहाँ पर बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है सऊदी अरब की पूरी आप कह सकते हैं समझने के लिए जो आर्मी होती है मिलिट्री होती है पूरी फौज होती है इसमें पूरी तरह से कोई भी सऊदी पायलट नहीं था यानी एयरफोर्स में जो हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं डिफेंस के तो उसके लिए प्योरली सऊदी पायलट नहीं था तो यहाँ चार साल का कोर्स पूरा करने के बाद पहला सऊदी पायलट ग्रेजुएट हो गया है इनका नाम फैसल अल अतवी है और रशियन एयरफोर्स अकेडमी में इन्होंने 2017 में एडमिशन लिया था ये बाकायदा तौर पर यानी पहले सऊदी पायलट है जो की हम सऊदी डिफेंस में काम करेंगे एज ए पायलट तो जाहिर सी बात है कि इनसे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा और बाकी लोग भी फील्ड में आएंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए बहर हाल आप क्या रखते हैं कमेंट में बताएं गोल्ड बायर्स के लिए एक अच्छी खबर है सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में गोल्ड इंधन काफी ज्यादा सस्ता चल रहा है आपको बताएं कि बीते दिन के मुताबिक जो रेट सामने आए हैं उसमें 21 कैरेट एक ग्राम सोनी कीमत एक सौ तिहत्तर रियाल तैंतीस हलाला चौबीस कैरेट एक ग्राम सोनी कीमत एक सौ अट्ठानवे रियाल और नौ हलाला बाईस एक ग्राम सोना एक सौ इक्यासी रियाल अट्ठावन हलाला में बेचा गया अट्ठारह एक ग्राम सोने कीमत एक सौ अड़तालीस रियाल और सत्तावन हलाल रिकॉर्ड की गई है तो इस तरह से देख सकते हैं कंपेयर करके कि बाकी दिनों से गोल्ड इन दिनों सस्ता है रशिया और यूक्रेन की जो जंग चल रही है सऊदी अरब ने कई बार इनमें समझौता कराने के लिए कोशिश की है लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही है मदद का हाथ बढ़ाते हुए बीते दिनों 400 मिलियन डॉलर डोनेट किए थे यूक्रेन को हमने भी ये ख़बर आपको बताई थी लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो रशिया है वो युद्ध ख़त्म करने को तैयार नहीं है तो इसी बात से हताश होकर निराश होकर एक रशिया के बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका नाम है ओलेक टिंको तस्वीर में आप देख सकते हैं इन्होंने रशिया की जो नेशनलिटी है उसको त्याग दिया है नेशनलिटी छोड़ दी है सिर्फ इसी वजह से कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमिर पुतिन वो बिल्कुल भी किसी के सुनने को तैयार नहीं जो उनके मन में आ रहा वो कर रहे हैं मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ के जो एक पीसफुल नेबर है यानी शांति प्रिय हमारा देश है पड़ोसी है उसके साथ लगातार लड़ाई जारी रखे हुए हैं तो इन्होंने नेशनलिटी छोड़ दी है फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं और सेम ऐसे ही कही कहीं ना कहीं सऊदी अरब भी इस लड़ाई से नाराज़ है वो भी समझौता कराने के मूड में था लेकिन जब बात नहीं बनी तो यूक्रेन की जैसे बहुत ही ज़्यादा तबाही हुई है और हो रही है तो उसके चलते चार मिलियन डॉलर का दान सऊदी अरब ने दिया था तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी सऊदी अरब के हवाले से बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने अल्लाह अल्लाहफ